हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अब जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे कैटेगरीज जो हैं वो किस तरह से डिफाइन करी जाती है, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे एक जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डला हुआ है और उसमें लिख के आ रहा है अनकैटेगराइज्ड। अब अनकैटेगराइज को कैटेगरीज में क्यों डाला जाता है? बिकॉज यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेक में के अंदर स्विच है, राउटर है, टोपोलॉजी है, ब्लॉग है, एफिलिएट है, डिजिटल है। तो ऐसे में अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो हमारा जितना भी ब्लॉग्स जो पोस्ट जो हम लिखेंगे उनको भी हमें उसके अकॉर्डिंग कैटेगरीज में जो है सेग्रीगेट करके रखना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो है जब क्रॉलर्स जो हैं वो जो भी सर्च इंजन के क्रॉलर्स हैं जो हमारी वेबसाइट पे आके विजिट करें तो जो है यहाँ पर सारे के सारी चीजें जो है उनको बिल्कुल परफेक्ट मिले और हमारा जो कहीं ना कहीं कोई भी ब्लॉग पोस्ट हमने जिस पे मेहनत करी है वो आगे जाके गूगल के नंबर वन पेज पे जो है रैंक ट्रैफिक में आ सके। तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाना है और यहाँ पर जाकर आप देखते हैं यहाँ पे पोस्ट है, तो पोस्ट में जाकर आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कैटेगरीज, तो कैटेगरीज पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अभी आप देखते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक अनकैटेगराइज्ड जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप ये इसको रहने दे सकते हैं। अगर आपका कोई भी ब्लॉग लिख रहे हैं अभी उसको ड्राफ्ट में रखना है तो आप जो है यहाँ पर रख सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई भी आपको नई कैटेगरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एड न्यू कैटेगरी पे जाना है और नेम के अंदर जो है आपको जो भी कैटेगरी लिखनी है, से फॉर एग्जांपल मुझे स्विचेस के लिए मुझे अलग डालना है तो मैंने ये स्विच का मेन टैग डाल दिया, इसका स्लग भी जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्विच, राइट। या फिर अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ नेटवर्क स्विच, राइट, तो मैं नेटवर्क स्विच लिख सकता हूँ। इसका कोई पेरेंट है क्या? तो पेरेंट इसका अगर डिफाइन किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको मना कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रंट एंड में टेक लिखा हुआ है। अब टेक के अंदर ये हमारे स्विचेस आ रहे हैं, तो व्हाट आई विल डू इज ये स्विच को हम अभी पहले क्रिएट कर ले, इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको सबसे पहले तो अपन एड कर लेते हैं। तो ये स्विच जो है वो हमारा एड हो चुका है और यहीं पे अब आप देखते हो यहाँ पे एक बेनिफिट ये होगा कि अब स्विच के अंदर मैंने स्विच से रिलेटेड कितने जो है अब तक ब्लॉग डाले हैं, तो अब यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे काउंट के अंदर अभी जीरो आ रहा है, यानी कि स्विच कैटेगरी में कोई भी ब्लॉग जो है मेरा डला नहीं है। अब इनको जो है मेन टेक एक कैटेगरी में बनाना चाहता हूँ, टेक कैटेगरी के अंदर ही ये हमारा रहेगा। तो ये मैंने टेक लिख दिया और पेरेंट इसका कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी मैं टेक लिख देता हूँ। यहाँ पे जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखने होते हैं वो डिस्क्रिप्शन आपको डालना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आगे चल के जब एसईओ को कवर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या चीजें आपको डालनी होती हैं। ये हमने ऐड कर दिया, तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो स्विच है वो मेरा टैग के अंडर में आए। तो अब अगर मैं इसको करना चाहता हूं मुझे वापस एडिट पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी में मुझे यहाँ पे टैग जो है सेलेक्ट करना है और इसको अपडेट कर देना है। तो ये मेरा अपडेट हो गया, वापस बैक टू कैटेगरी करते हैं तो देख सकते हैं अभी टैग हो गया। टैग के बाद यहाँ पे स्विच के सामने एक लाइन आ गई और यहाँ पे स्विच लिख किया गया। इसी तरह से जो है मैं यहाँ पे राउटर डाल देता हूँ और यहाँ पे स्लग के अंदर भी जो है मैं यहाँ पे राउटर लिख देता हूँ और इसका भी जो पेरेंट है वो यहाँ पे टैग ही रहेगा और यहाँ पे मैं इसको भी एड कर देता हूँ, ये भी एड हो गया, राइट। अब इसके बाद जो है यहाँ पे और क्या है मेरे पास, यहाँ पे टोपोलॉजी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी मैं यहाँ पे लिख दी और इसी को मैं यहाँ पे स्लग में भी लिख देता हूँ टोपोलॉजी और इसका भी जो है पेरेंट जो है वो टैग रहेगा, ऐड कर देते हैं। तो ये तीन चीजें हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अब यहाँ पे अगर हम पोस्ट पे चलते हैं, ठीक है, अभी मैं इसको ही एडिट कर लेता हूँ, अभी इसको एडिट करते हैं। तो एडिट पे क्लिक करके जब ये पोस्ट पूरा हमारा ओपन हो जाएगा तो अभी अगर फ्रंट एंड पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, अनकैटेगराइज लिख के आ रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं सही कर दूं तो अब यहां पे जो है आप देखते हैं ये रहा कैटेगरीज, कैटेगरीज पे अगर मैं क्लिक करूं, राइट, तो यहां पे आप देखते हैं ये सारी की सारी कैटेगरीज हमारी दिख रही हैं। तो ये टैग में भी होना चाहिए और टैग के अंदर जो है ये हमारा से फॉर एग्जाम्पल स्विच के अंदर होना चाहिए। अन कैटेगरी से हम इसको हटाना चाहते हैं तो ये हमने हटा दिया। अब अगर इसको अपडेट करते हैं, ये हमने अपडेट कर दिया, राइट, यह पोस्ट हमारा अपडेट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करता हूं तो आप देखते हैं यहाँ पे स्विच और टैग, मतलब दोनों की कैटेगरी में ये फॉल हो रहा है। सो इस तरह से जो है हम पूरा का पूरा कैटेगराइज करेंगे तो जितने भी हमारे यहाँ पे मेन्यू सेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पे कैटेगरीज डिजाइन करनी होती है। तो अभी हमारे पास और भी कैटेगरीज बाकी हैं तो मैं फटाफट आपके साथ ही क्रिएट कर लेता हूं। तो वापस कैटेगरी में चलते हैं और यहां पर
मैं जाकर ब्लॉग का डालना है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्लॉग, और इसको भी वापस से यहाँ पे ब्लॉग लिख देता हूँ, और इसका पेरेंट कुछ नहीं होगा, ये सीधा खुद ही पेरेंट रहेगा। इसके बाद एफिलिएट डालना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफिलिएट, और इसी को मैं कॉपी करके स्लग के अंदर भी डाल देता हूँ, और इसका भी पेरेंट कुछ नहीं होगा, ये खुद ही पेरेंट होगा, ये भी क्रिएट कर दिया। फाइनली हम यहाँ पर डिजिटल में डाल देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग या फिर सिर्फ डिजिटल रख देते हैं। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज अगर हमने क्रिएट करनी है तो वो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल के अंदर। तो डिजिटल के अंदर आप क्या क्या करना चाहते हो, से फॉर एग्जाम्पल डिजिटल के अंदर जो है मैं यहाँ पे एक तो डिजिटल मार्केटिंग का जो है डिटेल डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग की डिटेल डाल सकता हूँ। ये मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे डाल दिया पेरेंट इसका डिजिटल रहेगा, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसी के अंदर जो है मैं से फॉर एग्जाम्पल वेब डिजाइनिंग लिख देना चाहता हूँ, वेब डिजाइनिंग, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसको स्लग डालता हूँ, पेरेंट के जो है डिजिटल रहेगा, इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। तो इसी तरह से हम जो है पूरा का पूरे कैटेगरीज जितनी भी हमें चाहिए हैं वो कैटेगरीज हम जो है यहाँ पर डालते हैं। तो जो मैंने मॉडिफाई करके डाला था, तो आप देखते हैं यहाँ पे स्विच के टैग के अंदर भी एक पोस्ट लिस्टेड है, और स्विच टैग कैटेगरी के अंदर भी जो है यहाँ पर एक पोस्ट जो है वो लिस्टेड है। भले ही वो एक पोस्ट है, लेकिन दोनों दोनों के अंदर जो है, दोनों ही कैटेगरीज के अंदर वन वन पोस्ट जो है वो फॉल कर रहा है। तो ये हमारा एक तरीका है जिस तरह से हम जो है पूरे अपनी वेबसाइट के जो है इसको सेलो को मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन जो है आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं आप हटा सकते हैं उसको। तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा कैटेगरीज जो है किस तरह से क्रिएट करी जाती है वर्डप्रेस के अंदर, और ये मैंने आपको आज पूरा प्रैक्टिकली दिखाया। सो आगे जो है आने वाले सेक्शन, आगे वाले वीडियोस के अंदर जो है मैं आप लोगों को और इसके अंदर जो है ये साइड बार किस तरह से पूरा सेट करते हैं, ये फुटर सेक्शन जो है, ये जो विजर्ड्स हैं इनको हम पूरा कंप्लीट कैसे सेटअप करेंगे वो मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा, और साथ ही साथ फिर ब्लॉग पोस्ट जो है करने के बाद हमने उसको एसईओ कैसे करना होता है, तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा इस पूरे सीरीज के अंदर जो है आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो जो है कंप्लीटली अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।